हेलो फ्रेंड्स, जेन ऑस्टिन के बारे में आज हम जानने वाले हैं आज के इस लेसन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में। इनका वर्क, इनकी लाइफस्टाइल और जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जेन ऑस्टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे MPBGT के स्पेशली। ये बनाया है मैंने जेन ऑस्टिन का। 1775 से लेकर 1817 इनका ये लाइफ स्पान है। बर्थ इनकी बात करें 16 दिसंबर 1775 को इनका जन्म हुआ है, 1775, ठीक है। एंड बर्थ प्लेस इनका है स्टीवेंटन रेक्टरी, हैम्पशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। डिमाइस की यदि बात करें इनकी, मृत्यु की 18 जुलाई 1817, जब ये 41 वर्ष की थी मात्र, विंचेस्टर, हैम्पशायर, इंग्लैंड। फादर इनके हैं जॉर्ज ऑस्टन एंड मदर इनकी कैसेंड्रा ऑस्टन। ये देखिए मैंने साइड में लिखा है कैसेंड्रा ऑस्टन इनके मदर के नाम के साइड में मिसेज ऑस्टन, क्योंकि कैसेंड्रा इनकी सिस्टर का भी नाम अभी आगे आएगा। उनके बहन का नाम भी कैसेंड्रा था इसीलिए, और मदर भी कैसेंड्रा है, तो यहाँ इनको मिसेज ऑस्टन करके हम कंसिडर करेंगे। और कैसेंड्रा इनकी सिस्टर थी। जैसा कि जेन ऑस्टन वॉज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, सेवन चाइल्ड थे उनके जिसमें से ये सेवन थी, सबसे छोटी थी, और टू सिस्टर थे। हर क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज हर ओनली सिस्टर कैसेंड्रा, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हर सीनियर। 3 साल बड़ी थी इनकी सिस्टर कैसेंड्रा, जो कि इनकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। जेन ऑस्टिन वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट नोन स्पेशली फॉर हर 6 मेजर नॉवल्स, ठीक है। तो ये जेन ऑस्टिन है, अभी हम आगे वो 6 मेजर नॉवल्स देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये फेमस हुई, जानी जाती हैं। इनके 6 मेजर नॉवेल्स कौन कौन से हैं। जेन ऑस्टिन इज नोन एज द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द प्योर नॉवल। इन्हें माना जाता है लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ प्योर नॉवल, क्योंकि इनके जो नॉवेल्स थे वो प्योर नॉवल माने जाते थे। जो भी इनके आसपास का वातावरण था नॉर्मल, जहाँ ये रहती थी, इनका जो हमें जैसे ये मार्केट जा रहे हैं नॉर्मली, जो भी ये शादी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, वही इनके नॉवेल्स की थीम होती थी, प्योर नॉवेल होते थे, कोई ऐसा सुपरस्टिशियस नहीं दिखाया गया, तो इसलिए इनको द प्योर नॉवेल लीडिंग एक्सपोनेंट माना जाता है। जेन ऑस्टिन रॉट एज वुमेन अबाउट वुमेन, शी वॉज अ प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट थी ये। शी वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब ये है मेन पॉइंट यहाँ से कि ग्रेट नॉवलिस्ट हैं, कौन सी एज को बिलोंग करती है, रोमांटिक एज की है, ग्रेट नॉवलिस्ट हैं। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी हम कहते हैं रोमांटिक एज को। लव, मैरिज एंड मैट्रीमोनी वर द बेसिक थीम ऑफ हर नॉवल्स। शी रिमेन अनमैरिड इन लाइफ। बेसिकली शी रॉट डोमेस्टिक नॉवल, मेनली इन्होंने डोमेस्टिक नॉवल लिए, घरेलू वातावरण जो इनके थीम रहा करती थी। सीधे सीधे हम इनके वर्क्स पे आ जाते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनेंगे। 1811 में इनका पब्लिश हुआ था साइंस एंड सेंसिबिलिटी। देखिए अब क्वेश्चन बनेगा कि इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा है, तो वो साइंस एंड सेंसिबिलिटी है, क्योंकि आगे अभी हम कुछ भी और भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पहले इन्होंने जो रचनाएं करी पर वो पब्लिश ना हो सकें, और फिर पब्लिश हुई तो कैसे हुई। बट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि फर्स्ट इनका नॉवल कौन सा है पब्लिश, तो वो है हमारा साइंस एंड सेंसिबिलिटी। 1813 में आया इनका प्राइड एंड प्रेजुडिस, 1814 में मैंसफील्ड पार्क, 1815 में एमा एंड नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएशन, ये 1818 में दोनों पब्लिश हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही वो 6 इनके मेजर नॉवल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नेम फेम मिला। तो जिसमें से 4 हमारे इनके पहले जीवित रहते पब्लिश हो गए थे, और ये 2 हैं जो पॉस्यूमसली पब्लिश हुए थे, यानी कि इनके मरणोपरांत 1818 में, और इनकी मृत्यु जो है 1817 में हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि इनके कौन से नॉवेल हैं जो बाद में पब्लिश हुए आफ्टर डेथ, नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएशन। और ये जो नॉर्थेंजर एबे है, ये सटायर है गोथिक नॉवेल पे। गोथिक नॉवेल क्या होते हैं, जो हॉरर नॉवेल कहते हैं, डरावने नॉवेल्स होते हैं, जो उसके ऊपर सटायर है, उसका एक पैरोडी है, यानी उसी को हास्य के वे में उन्होंने लिखा, ठीक है, जेन ऑस्टिन ने। तो ये उनके मेन 6 नॉवेल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेंस एंड सेंसिबिलिटी फर्स्ट है, एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएशन। इनका ईयर भी आप याद रखें, 1811, 1813 प्राइड एंड प्रेजुडिस, 1814 मैंसफील्ड पार्क, 1815 एमा। ये लगातार आए हैं 3 साल, और ये 1818 में इनके मरणोपरांत आए हैं 2, नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लेडी सूजन, ये इनका वर्क है, लेटर्स की सीरीज है ये, ठीक है, इसमें लेटर्स हैं, और जिनमें जो नॉवेल्स लेटर्स वे में लिखे जाते हैं, जिनमें लेटर्स होते हैं, वो एपिस्टोलरी नॉवेल्स कहे जाते हैं, और विदाउट कंक्लूजन है, इसमें कंक्लूजन इनका नहीं दिखाया गया है। उसके बाद इनका एक ये है पब्लिकेशन, 3 वॉल्यूम आए थे इनके जुविनाइल के, 3 वॉल्यूम्स ऑफ जुविनाइल, ये मैन्यूस्क्रिप्ट इनकी कलेक्ट की गई थी, शॉर्ट वर्क्स और कॉमिक स्टोरीज है इसमें, 3 वॉल्यूम्स आए थे फ्रेंड्स इसके, ठीक है। और द वॉटसन, ये 2 इनके अनफिनिश्ड वर्क हैं,
द वाटसन्स एंड सैंडीटन 1804 और 1817। तो ये इनके अनफिनिश्ड है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अनफिनिश्ड सैंडीटन एंड द वाटसन 1804। अब देखिए जो सैंडीटन है इसका तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी उस दौरान उन दिनों वो कौन सा नॉवल लिख रही थी, तो ये सैंडीटन जो कि 1817 में है अनफिनिश्ड रह गया था ये। उसके बाद इनके ऊपर इनके बारे में भी कुछ लिखा गया, जैसे कि जेन ऑस्टन्स लेटर, तो ये एडिटेड किए गए थे डियर्डर ली फे के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज कंप्लीटेड इन 1797। देखिए ये आ गया क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी इनका फर्स्ट नॉवल माना जाता है, आंसर अगर आ जाए तो आप उसी को लगाएं टिक करें, 1811 उसका पब्लिशिंग ईयर है। बट अब ये फैक्ट है कुछ कि प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज फर्स्ट कंप्लीटेड इन 1797 एज द टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इनकी कौन सी रचना का टाइटल था पहले, तो वो था प्राइड एंड प्रेजुडिस, और कब इन्होंने वो लिख ली थी, कंप्लीट कर ली थी 1797 में, और पब्लिश कब हुई थी वो 1813 में। अब देखिए हुआ क्या, उस समय जो स्थिति थी महिलाओं की वो इतनी अच्छी नहीं थी कि पब्लिशर उनके बुक्स को पब्लिश कर दे ईजिली, तो यही थी वजह कि वो एक लेडी थी इसलिए उनके पब्लिश नहीं हो पाती थी रचनाएँ। और उनके जो फादर थे उन्होंने पब्लिशर को भी शो किया इनका ये वर्क, बट उन्होंने बिना देखे ही उसे रिजेक्ट कर दिया था उस समय, ठीक है। और फिर बाद में जब ये 1813 में जो पब्लिश हुआ था तो वो नाम था उसका प्राइड एंड प्रेजुडिस। द नॉवेल पर्सुएजन वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली, हर ब्रदर हेनरी सुपरवाइज इट्स पब्लिकेशन। अब ये हमें पता ही है कि ये पब्लिश हुआ था इनका इनकी मृत्यु के बाद, पर्सुएजन एंड नॉर्थेंजर एबे, तो इसको किसने करवाया था पब्लिश्ड, तो उनके ब्रदर थे हेनरी ऑस्टिन, उन्होंने इसको करवाया था पब्लिश्ड इन 1795। एलिनर एंड मैरियन, ये भी देखिए इसका भी अच्छा पॉइंट है, एलिनर एंड मैरियन रिटन लिखी गई थी 1795 में, लेटर रिवाइज्ड एज सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये है इम्पोर्टेंट कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो वर्क है इनका जो 1811 में पब्लिश हुआ था वो भी एलिनर एंड मैरियन टाइटल के नाम से 1795 में वो कंप्लीट कर चुकी थी, बट इन 1811 जैसे कि वो पब्लिश हुआ था साइंस एंड सेंसिबिलिटी विच आइडेंटिफाइड द ऑथर एज अ लेडी, और उसमें ऑथर अगर लिखा भी गया था तो एक ऐसा लिखा गया था आ लेडी, जेन ऑस्टिन उनका नाम उसमें नहीं लिखा गया था, ये भी आप अच्छे से कंसिडर कर लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इन 1798-99 के जो समय था, सूजन अ नॉवल रिटन लेटर रिटाइटल्ड कैथरीन एंड पोस्टमसली पब्लिश्ड एज नॉर्थेंजर एबे, इन्होंने इस समय ये लिखा एक नॉवेल सूजन, बाद में उसका रिटाइटल किया आ गया कैथरीन, और फाइनली जब वो पब्लिश हुआ इनके मृत्यु के बाद तो वो किस नाम से पब्लिश हुआ, नॉर्थेंजर एबे। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लिख चुकी थी पहले पर बाद में पब्लिश हुए, तो उनके पहले नाम कुछ और थे बाद में कुछ और हैं, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का है द फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, और नॉर्थेंजर एबे का क्या है, सूजन, फिर बाद में कैथरीन, देन नॉर्थेंजर एबे, एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी का है एलिनर मैरियन, ठीक है, एलिनर मैरियन। ये इसका प्राइड सेंस एंड सेलिब्रिटी का, सेंस एंड सेंसिबिलिटी का ये हमारा नाम हो गया, तो ये स्पेशली हमें लर्न करना है, याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएजन वर पब्लिश्ड टुगेदर इन 1818 विद अ बायोग्राफिकल नोटिस। अब जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये जो दो इनके पब्लिश हुए थे, नॉर्थेंजर एबे एंड पर्सुएजन, तो उसमें एक बायोग्राफिकल नोटिस भी दिया था इनके भाई ने, जैसे कि उन्होंने सुपरवाइज किया था ना ये, तो उन्होंने उस समय तब पहली बार इनका नाम उसमें आया था एज अ ऑथर, इन विच जेन ऑस्टन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन ऑफ हर नॉवेल्स आइडेंटिफाई एज द ऑथर, जब उनका पहली बार नाम उसमें आया था उनकी मृत्यु के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखें आप। जेन ऑस्टिन प्लॉट्स ऑफन एक्सप्लोर द डिपेंडेंस ऑफ वुमेन वन ऑन मैरिज इन द परस्यू ऑफ फेवरेबल सोशल स्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो इनकी कहानियाँ होती थी स्पेशली वुमेन्स के ऊपर हुआ करती थी, मैरिज के ऊपर हुआ करती थी, जो कि इकोनॉमिकली फेवर चाहती थी मैन का और सोशल समाज में स्टैंड करने के लिए, इस तरह की उनकी कहानियाँ हुआ करती थी। देखिए ये मैकाले हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है जेन ऑस्टिन के लिए, आपको याद रखना है ये किसने कही है। वी हैव नो हेसिटेशन इन प्लेसिंग जेन ऑस्टिन बिसाइड शेक्सपियर, कि उन्होंने शेक्सपियर के समान इनको मानते हुए उनके बारे में ये कहा है कि हमें इस बात में कोई झिझक नहीं यदि हम जेन ऑस्टिन को शेक्सपियर के बगल में बिठा दें या उनके समकक्ष माने। तो ये मैकाले ने ये बात कही है उनके बारे में। नेक्स्ट है
अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन, ये वर्क किसने लिखा है? तो ये इनके बारे में इनका एक मेमोयर लिखा है जे ई ऑस्टन ले ने, जो कि इनके नेफ्यू थे। पब्लिश कब हुआ? 1869 में। ठीक है, अ मेमोयर ऑफ जेन ऑस्टिन बाय जे ई ऑस्टिन ले, इनके नेफ्यू हैं, 1869 में ये पब्लिश हुआ। ये हमारे गांधी जी का बर्थ ईयर है। हर कंटेम्प्रेरीज वुमेन नॉवलिस्ट, इनके समय में जो इनकी कंटेम्प्रेरीज नॉवलिस्ट थी, जैसे कि मारिया एडवर्थ, सुजैन एडमंड्स एंड एडमंडस्टन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा याद रखने लायक। शी वॉज राइटिंग द नॉवल सैंडीटन व्हेन शी डेड, बता ही चुकी हूँ मैं आपको, जब इनकी मृत्यु हुई समय ये सैंडीटन करके नॉवल लिख रही थी। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम जेन ऑस्टिन मे हैव रिटन एज मनी एज 3000 लेटर्स बट ओनली 161 सर्वाइव। पूरी लाइफ टाइम इन्होंने 3000 लेटर लिखे बट इसमें से 161 ही सर्वाइव्ड है। मैनी ऑफ द लेटर्स वर रिटन टू हर ओल्डर सिस्टर कैसेंड्रा, जो कि इनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, उन्हीं को ज़्यादातर इन्होंने लेटर लिखे। हर नॉवल्स हैव इंस्पायर्ड मैनी फिल्म, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि इनकी नॉवल के ऊपर बाद में कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं। तो वही हैं मूवीज़ और उनका मूवीज़ का ईयर, रिलीजिंग ईयर। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये मूवी बनी है 1995 में। एमा 1996, मैंसफील्ड पार्क 1999, लव एंड फ्रेंडशिप, ये जो मूवी है लव एंड फ्रेंडशिप, इनका जो वर्क है लेडी सुजान, जी हाँ एपिस्टलरी नॉवल है जो कि उस पर मूवी बनी है ये 2016 में। प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1940 में बनी एक मूवी, उसके बाद 2005 में एक मूवी बनी है। और ये देखिए ब्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये है हमारी 2004 में बनी है, इसके निर्देशक थी गुरिंदर चड्ढा और इसमें ऐश्वर्या राय भी जिन्होंने काम किया है। तो ये ब्राइड एंड प्रेजुडाइस है। एंड परस्यूजन, ये 2007 में इनकी मूवी बनी है इनके वर्क पे। एंड नॉर्थ एंड जो रैब है, इस पर भी 2007 में मूवी रिलीज़ हुई है। ये सारी मूवीज़ बनी हैं जेन ऑस्टिन के वर्क से ऊपर, इनके नॉवल्स को लेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ द ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। देखिए ये ओपनिंग लाइन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये मैंने रखी है यहाँ पर, कि ये ऐसे लिखी जाएगी लाइन पूरी कोटेशन और ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कौन से किसकी रचना है, जेन ऑस्टिन की है, कौन सी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, या फिर किस नॉवल की ओपनिंग लाइन्स हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, इट इज़ द ट्रुथ से लेकर ही हमारा वॉन्ट ऑफ अ वाइफ तक। पॉइंट नंबर 41 है, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ओपनिंग लाइन है एमा इनके नॉवल की और इसमें एमा वुडहाउस से ये शुरू हुई है। एमा वुडहाउस जो कि एक 21 साल की लड़की थी, उसकी पूरी क्वालिटी बताते उन्होंने शुरू कराई ये नॉवल्स की ओपनिंग लाइन डिस्ट्रेस और हर वेक्सर तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 42 पॉइंट में हम बात कर लेते हैं ओपनिंग लाइन ऑफ नॉर्थ एंजर एबे, नो वन हु हैड एवर सीन कैथरीन मॉरलैंड इन हर इन्फेंसी वुड हैव सपोज्ड हर बॉर्न टू बी एन हीरोइन। देखिए जो कैथरीन जैसा कि इसका रीटाइटल था, स्टार्टिंग में पहले सूजन था टाइटल, उसके बाद कैथरीन हुआ, फिर आया हमारा पब्लिकेशन जो उस नाम था वो था नॉर्थ एंजर एबे। उसके बाद ये है नॉर्थ एंजर एबे इज़ द पैरोडी ऑफ गॉथिक नॉवल, गॉथिक नॉवल की पैरोडी है ये। पैरोडी जो होता है कि किसी भी नॉवल का मजाकिया रूप में उसकी नकल करके लिख देना, ठीक है, कॉमिक रूप में उसको लिख देना, मॉक एपिक भी कहते हैं इसको, पैरोडी को। फेमस कोट्स पे हम आ जाते हैं इनके, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, कि ये कोटेशन किस राइटर की है, किस नॉवलिस्ट की है। देर इज़ नो चार्म इक्वल टू टेंडरनेस ऑफ हर्ट, हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ एंटायरली अ मैटर ऑफ चांस, नोबडी माइंड्स हैविंग व्हाट इज़ टू गुड फॉर देम। ये सारे इंपॉर्टेंट कोटेशन है हमारे जेन ऑस्टिन की। अ लेडीज़ इमेजिनेशन इज़ वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमायरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमोनी इन अ मोमेंट। ये लाइन्स कौन से वर्क की हैं इनकी, कौन से नॉवल की हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस की। एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज, ये भी इसी की है प्राइड एंड प्रेजुडिस की। आई हैव नॉट द प्लेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू एंड टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ, ये बहुत, ये दोनों लाइनें हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस को ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जेन ऑस्टिन हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 मेजर नॉवल्स हमें इसके याद रखने हैं, इनका लाइफ स्टाइल और जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे हमने डिस्कस कर लिए आज के इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।